उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुट गए हैं। ऐसे में बागेश्वर में आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पूरे देश में एक अलग तरह की राजनीति शुरू होती दिखाई दे रही है। ये नई राजनीति राष्ट्र निर्माण और अच्छे काम के आधार पर जनमत प्राप्त करने की है। नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति को दिल्ली वालों ने हरा दिया है। भारत के इतिहास में आम आदमी पार्टी ने यह करके दिखाया है कि ईमानदारी से जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करके भी चुनाव जीता जा सकता है। यही वजह है कि दूसरे राज्यों में भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और बिजली पानी जैसे मुद्दों पर गंभीरता दिख रही है और सरकारें अब इसे अपने राज्यों में लागू करना चाहती हैं। संगठन बन रहा, संगठन में से ही बनाते बनाते इस चीज के लिए अपने आप चेहरे निकल के बाहर आने लगेंगे। विधानसभा लेवल पे हम काम कर रहे हैं, विधानसभा से जिले लेवल के चेहरे आएंगे, जिला लेवल से प्रदेश लेवल के चेहरे आएंगे। अभी तो इस संगठन को हम मजबूती देने के लिए 2-3 महीने काम करेंगे, उसके बाद अपने आप धीरे धीरे जो काम करेगा चेहरा अपने आप सामने आने लगेगा।